नमस्कार देवियों और सज्जनों, सिर्फ 40 रुपये में 4 लोगों के लिए रेस्टोरेंट जैसी चटाकेदार ग्रीन बीन्स की सब्जी बनाएंगे, झटपट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, दिल खुश साइड डिश बीन्स की लाजवाब सब्जी। अगर आप इस तरह से बीन्स मसाला करी बनाएंगे तो रोटियां कम पड़ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं चटपटी चटाकेदार फाइबर से भरपूर स्वादिष्ट ग्रीन बीन्स की सब्जी। ये है 250 ग्राम ग्रीन बीन्स, जिसे गुजराती में फणसी कहते हैं। पानी में डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे, साफ कर लेंगे। आगे का और पीछे का हिस्सा काट कर निकाल देंगे। बीन्स के टुकड़े कर लेंगे। मैंने फणसी के टुकड़े थोड़े बड़े ही रखे हैं। 2 टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर के टुकड़े करने के बाद 2 प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर और प्याज के हमने टुकड़े कर लिए हैं, उसे साइड में रख देंगे। करीब 3 टेबलस्पून दही चाहिए। इस दही में हम धनिया फुदीने की चटनी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। इस चटनी में मैंने धनिया फुदीना हरी मिर्च अदरक और नमक डालकर ग्राइंड कर लिया है। गैस को ऑन करेंगे और एक पैन में डालेंगे करीब 3 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल, 1/2 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर। सेंधा नमक डालेंगे स्वादानुसार। धनिया जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। कवर करेंगे और पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। आइए चेक करते हैं। तेल अलग हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। फिर से कवर करेंगे और पकाएंगे। गैस को धीमा करेंगे। अब इसमें हम दही और हरी चटनी का मिश्रण ऐड करेंगे। बिना रुके चलाते रहेंगे और इस दही को अच्छी तरह से पकाएंगे। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे। हमारी ग्रेवी पक चुकी है, तैयार है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। बीन्स के टुकड़े ऐड करेंगे, जिसको हमने काट कर रखा था। इस सब्जी को पकने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप इस सब्जी को जल्दी बनाना चाहते हो तो फणसी को भाप में पकाने के बाद ग्रेवी में ऐड करें। कवर करेंगे। थाली में पानी डालकर पकाएंगे। ऐसा करने से हमारी सब्जी जलेगी नहीं। आइए चेक करते हैं। मुझे ये ग्रीन बीन्स मसाला थोड़ा सा ड्राई चाहिए। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। अपने खाने को चखते रहिए, टेस्ट करते रहिए। सच में ये सब्जी बहुत ही मजेदार बनी है। तो लीजिए गुजराती स्टाइल में बनी ग्रीन बीन्स की ग्रेवी से लिपटी हुई मजेदार सब्जी तैयार है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट।
नमकीन मूंगफली के दानों को क्रश करके ऐड करेंगे टेक्सचर के लिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ग्रेटेड कोकोनट को डालकर गर्मा गर्म बीन्स की सब्जी को रोटी के साथ सर्व करेंगे। देवियों और सज्जनों, खाना तो सब लोग खाते हैं। अगर आपको दिखने में सुंदर और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है तो आप सच में तकदीर वाले इंसान हो। आप इस सब्जी को जरूर बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।